अनहल क्या हुआ, क्यों अंदर ले आए हो जेठा? बात तो क्या है तो बताओ, बीच पार्टी में जैसे बाहर ले। मेहता साहब, अय्यर भाई ने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश की, इसलिए उनको सबक तो सिखाना पड़ेगा। अरे छोड़ो ना जेठालाल अब। अरे क्या छोड़ो मेहता साहब, ये जानते हुए भी कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, फिर भी जान बुझ के सबके सामने मुझे नीचा दिखाने के लिए अपना प्रमोशन लेटर उन्होंने मुझसे पढ़वाया। पूरी सोसाइटी वहां खड़ी थी, किसी को नहीं बोला, सिर्फ मुझे। जेठालाल आओ, मेरा प्रमोशन लेटर पढ़ो। क्यों क्यों पढ़ो? क्यों? क्योंकि मेरी अंग्रेजी कमजोर है, इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाए। जेठालाल तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल स्वाभाविक है, तुम्हारी नाराजगी को मैं समझ सकता हूँ। मुझे खुद भी बहुत बुरा लग रहा था जब अय्यर ने ये किया, अय्यर को ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जेठालाल मान लो अगर कोई आदमी बचपना करे तो हमें तो अपनी परिपक्वता नहीं छोड़नी है ना, तुम तो मैच्योर हो ना, जाने दो। नहीं नहीं मेहता साहब, अगर मैंने उनको जाने दिया तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी, वो दोबारा फिर से ऐसी कोई हरकत करेंगे मेरे साथ। इसलिए छोटा तो छोटा, एक चमकारा तो दिखाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, पर कैसे? मैंने कुछ सोचा है। ऐसा कर रहे हैं? लगाइए फोन, लगाइए। अरे क्या सोचिए मतलब फोन लगाइए जेठालाल, मेरे फोन से करेंगे तो एक सेकंड में पकड़े जाएंगे हम लोग। ठीक है आप यहीं रुकिए, मैं एक मिनट में आया। अरे पर सुनो, सर। नहीं नहीं, अरे भाई साहब आपके पास मोबाइल होगा? किसका? आपका खुद का। हाँ है ना, एक दो मिनट देंगे, जरा एक सिम कार्ड जरा चेक करना है, मैं इधर ही रहता हूँ। ये लीजिए। आप इधर ही खड़े रहिए, दो मिनट में आता हूँ मैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो ये लीजिए, ये फोन से कीजिए। किसका फोन है ये? अरे आपको क्या करना है, कीजिए ना भाई, फोन कीजिए। एक बार फिर सोच लो जेठालाल। मेहता साहब आप फोन लगा रहे हो या हमारी दोस्ती यहीं पे खत्म? अरे क्यों इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हो जेठालाल? कर रहा हूँ ना, अय्यर का नंबर भी याद नहीं है एकदम। हेलो हेलो हेलो, इज इट कृष्ण अय्यर? Yeah, who is this? You stupid fellow! You are asking me who is this? क्या तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो? No. मैं तुम्हारे बॉस का भी बॉस बोल रहा हूँ। Sorry, sorry sir, लेकिन मेरे पास आपका नंबर नहीं था, इसलिए। You stupid fellow! क्या मैं पिज्जा वाला हूँ कि मेरा नंबर सबके पास होगा? Sorry sir, mistake हो गया। Mistake तो हमसे हुआ है Mr. Ayer। तुम्हारा promotion नहीं हुआ है। Yes, तुम्हारा प्रमोशन नहीं हुआ है। ऑफिस में किसी और आदमी का प्रमोशन हुआ है, गलती से लेटर में तुम्हारा नाम लिख दिया गया है, सो यू हैव नॉट बीन प्रमोटेड। क्या कह रहे हैं सर आप? Yes, योर प्रमोशन इज कैंसल्ड, गुड नाइट। हेलो हेलो, अरे सर हेलो हेलो हेलो, कैसा था? ठीक था? शाबाश, ठीक था, जबरदस्त था, जाने जाने कर था। शाबाश मेहता साहब, शाबाश, मजा आ गया। अब मैं सबको कैसे बताऊंगा कि मेरा प्रमोशन कैंसिल हो गया है? चलिए अभी जाके देखते हैं कि अय्यर भाई के पैरों तले की जमीन अभी भी वही है या खिसक गई है। आइए फोन उसका दे। अभी क्या करवाते हो यार जेठालाल, मतलब। चलो भाई साहब, थैंक यू। क्या क्या काम करवाते हो जेठालाल? एक मिनट रुको, कहाँ है? देखिए मेहता साहब, देखिए प्रमोशन का रॉकेट आसमान से मुंह के बल सीधा जमीन पे गिर पड़ा है। आइए आइए मजा लेते हैं।
अरे यार मैं ऐसे ही खड़ा, जरा नचाओ यार इनका, नचाओ जरा, नाचो भाई नाचो। जबरदस्त पार्टी दी आपने, मजा आ रहा है। एंजॉय एंजॉय जेठालाल। क्या हुआ, पेट में कुछ गड़बड़ है? नहीं तो? तो मुंह क्यों ऐसा बनाया है? जेठालाल मेरा मुंह ही ऐसा है। वो बराबर। सुनिए सुनिए सुनिए, म्यूजिक मैंने बंद किया है, एक मिनट यहाँ पे आइए प्लीज। बताता हूँ एक मिनट, बीच में एक तो यार, एक मिनट बताता हूँ, बहुत जरूरी काम है। देखिए हमारे गोकुलधाम की महिला मंडल ने आज के हमारे उत्सव मूर्ति अय्यर साहब को गिफ्ट देने का आयोजन किया है। तो मैं अय्यर साहब से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आए, और महिला मंडल से निवेदन करूंगा कि यहाँ पे एक पंक्ति बना के खड़ी हो जाए और शिस्तबद्ध तरीके से अय्यर साहब को गिफ्ट दे। अरे वाह, अच्छी अच्छी बात। नो नो नो, इला इला, देखिए गिफ्ट देने का कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू वेरी मच। अरे क्यों, गिफ्ट की कोई जरूरत होती है क्या अय्यर भाई? गिफ्ट तो प्यार से देते हैं सब लोग। छोटी बात कर रहे हैं, जाइए अय्यर भाई। नहीं नहीं, सुनिए देखिए, मैं गिफ्ट नहीं ले सकता हूँ क्योंकि अय्यर अंकल पहले केक काटेंगे। एक मिनट एक मिनट, केक कौन लाया? मतलब केक कौन लाया? हम लाए अय्यर अंकल, हम लाए। ओ गॉड, ये क्या हो रहा है? जब इन बच्चों को पता चलेगा कि मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है तब इनका दिल टूट जाएगा। चलिए चलिए अय्यर भाई, जल्दी केक काटिए। मैं टप्पू सेना, केक काटते हुए अय्यर भाई की फोटो खींचना। ओके ओके ओके, कल के तूफान एक्सप्रेस में फ्रंट पेज पे छापूंगा। अरे वाह वाह, नहीं मैं केक नहीं काटेगा। अय्यर तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम केक काटने से मना कर रहे हो, गिफ्ट्स लेने के लिए मना कर रहे हो, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? बबीता एक मिनट जरा इधर आना। एक मिनट, अय्यर तुम्हें क्या हो गया सडनली, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अभी तो मेरे बॉस के बॉस का फोन आया था, उन्होंने कहा कि मेरा प्रमोशन बाय मिस्टेक हुआ है। क्या? किसी और का प्रमोशन मेरे को दे दिया है, मेरा प्रमोशन कैंसल। करेंगे अब वही, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि इन सब लोगों को कैसे बताएंगे। बताना तो पड़ेगा ही, नहीं तो बाद में पता चलेगा तो हमारा मजाक बन के रह जाएगा। मैं भी वही सोच रहा हूँ कि आखिर इन लोगों को कैसे बताएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। माय गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। क्या हुआ अय्यर भाई, क्या हुआ? शांति रखो जरा, थोड़ा मजा तो लेना था। अरे ज्यादा ही मजा हो रहा है, शांति रखो अय्यर। चलो जो है बता देते हैं। तो भाई अय्यर, क्या हुआ अय्यर भाई? देखिए मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ है। हाय हाय, क्या बोल रहे हैं? अरे तो ये पार्टी किस खुशी में थी? एक्चुअली किसी और का प्रमोशन हुआ था, आई मिस्टेक मेरे को बता दिया। अरे
ऐसे कैसे मिस्टेक कर सकते हैं? अपने बॉस को फोन करके पूछिए कि ऐसे कैसे मिस्टेक हो सकती है। फोन कीजिए, फोन कीजिए। नहीं नहीं नहीं, देखो फोन लगाने का कोई फायदा नहीं है। नहीं देखो अय्यर, क्या है कि तुम्हारे बॉस का फोन आया होगा और बॉस को फोन लगा के पूछोगे कि भाई मेरा प्रमोशन कैंसिल हो गया है, तो कहीं नौकरी से ही नहीं निकाल दे। तो फोन लगाना ठीक नहीं है मेरे ख्याल से, फोन मत लगाओ। बोल दिया अभी उन्होंने। हाँ, मतलब पूछेंगे तो भड़क गए बॉस, तो बराबर है, नौकरी से भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ कि ये इडली डोसा रसगुल्ले ये सब खाएं या नहीं खाएं? डॉक्टर राजीव कैरी ऑन, खाइए आप, खाइए। नहीं 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 खाना चाहिए, अच्छा नहीं लगेगा ऐसे मौके पर। सॉरी सॉरी। जेडलर सॉरी। मुझे क्यों सॉरी बोल रहे हैं यार भाई? जेडलर आज मैंने सब लोगों के सामने तुमसे अंग्रेजी बुलवा कर जो तुम्हारा मजाक उड़ाया, तो किस्मत ने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा प्रमोशन कैंसिल हो गया। यार तुम वैज्ञानिक होके भी ये सब किस्मत वगैरह इन सब बातों में यकीन रखते हो? जैसी करनी वैसी भरनी। सो तो है। देखिए अय्यर भाई, आप दुखी मत होइए, आपका प्रमोशन होगा। मेरा मन कहता है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ अय्यर भाई। देव अभी अब क्या ठीक होगा? क्या ठीक होगा नहीं, अय्यर भाई सब ठीक ही है। अय्यर भाई आपका प्रमोशन कैंसिल नहीं हुआ है। आपको जब बॉस का फोन आया था ना, वो मेहता साहब ने किया था। मेहता साहब? मेहता साहब? एक मिनट। हाँ हाँ मैंने फोन किया था। देखो अरे देखो क्या जेठालाल, लेकिन तुम सबको ये तो बताओ कि फोन क्यों किया था? मुझे जेठालाल ने फोन करने के लिए कहा तो मैंने किया, बोला ना जेठालाल भाई। बराबर बोल रहे मेहता साहब, बराबर बोल रहे। मैंने इनको बोला फोन करने के लिए, वो इसलिए कि अय्यर भाई ने मेरा मजाक उड़ाया, तो छोटा सा मजाक मैंने भी उनके साथ किया। जड़ा मदद था वो। मतलब तुम्हारा प्रमोशन हुआ है यार? अरे भाई ना प्रमोशन हुआ है ये, मजाक कर रहे थे। अरे जड़ा लाल तुम्हें क्या, मैं कितने टेंशन में आ गया। ओहो थैंक गॉड। वेंकटेश बालाजी बबूसा, तुझ में कुछ अक्कल बक्कल है कि ऐसा भी कोई मजाक करता है? सॉरी बाबूजी, सॉरी सॉरी अरे चल चल तू घर चल। बाबूजी सॉरी, तू घर चल। मैंने सॉरी बाबूजी, गलती हो गई। अरे घर चल। सॉरी बाबूजी। अरे घर चल। सॉरी क्या कर रहा है बाबूजी? ओह गॉड चल बाबूजी। सॉरी बाबूजी। सॉरी बाबूजी। नहीं बाबूजी सॉरी। तू अरे सॉरी बाबूजी। अरे ओ चाचा जी, चाचा जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जेठालाल बराबर बोल रहा है। हाँ चाचा जी, मैंने जेठालाल का मजाक उड़ाया तो जेठालाल ने मेरा मजाक उड़ाया, हिसाब बराबर। थैंक यू अय्यर, थैंक यू। मुझे तो टेंशन हो गया था पार्टी कैंसिल हो जाएगी तो इतना सारा खाना वेस्ट हो जाएगा, पर भगवान है सब ठीक हो जाता है। ओ यारो, ओ कहीं सुनी सब माफ करो और दोस्त बनकर दिल साफ करो। सही बात है। अरे झगड़ा झगड़ी बंद करो, केक काटो और पार्टी स्टार्ट करो।
अय्यर भाई, आपने तब गिफ्ट्स लेने के लिए मना किया था, तो अब हाँ अय्यर भाई, आपको अगर नहीं चाहिए तो हम रख लेते हैं। सही बात है। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, मेरे को ये गिफ्ट चाहिए। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। रोशन सिंह सोनी। थैंक यू गड़े। आया सोनी है। चल। आपने खाना बराबर दिखाया ना। बहुत बहुत खाया, और भी बहुत खाएंगे। ईश्वर आपको यूं ही प्रमोशन करते रहे और हम यूं ही पार्टियां करते रहे। थैंक यू सो मच। कांग्रेट्स। थैंक यू। चलो वंस संभल के एकदम अलग गिफ्ट लाई। मेहता साहब। थैंक यू सो मच। अय्यर भाई सफरे। Thank you. All well. अरे congratulations अभी। Thank you so much. Thank you. अय्यर भाई, प्रमोशन की बहुत-बहुत बधाई। Thank you देव अभी। Thank you so much. जेठालाल, thank you. Thank you जेठालाल. Thank you so much. Sorry यार। No sorry. Thank you. जो भी है वो। मुबारक हो बबीता जी। मजा आ गया। चलो चलते आत्माराम। थैंक यू सो मच आत्माराम। अभिनंदन। थैंक यू बड़े आदमी हो गए तुम। अरे क्या बात है। कांग्रेचुलेशन। चलो गिफ्ट खोल कर देखते हैं। अय्यर, तुम बच्चों जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो? गिफ्ट्स यहाँ पे क्यों खोलोगे? अरे बबीता, ये गिफ्ट हमको हमारे गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने दिए। चलो खोल कर देखते हैं। आइए आइए, आओ आओ। अरे चलो आ जाओ। क्या है? अरे वाह, लुंगी लुंगी और शर्ट। वेरी गुड। थैंक यू सो मच। क्या है, सब देख लेते एक बार। शर्ट इसमें भी इसमें कुछ अलग होगा। किया था मैंने तुझे कि उत्सव में आके किसी को बता मत देना, हमारा आइडिया चोरी हो जाएगा। हो गया ना चोरी आइडिया? मैंने किसी को नहीं कहा। अरे तो फिर कहाँ से आ गए सब गिफ्ट? हम पता। इतने सारे लुंगी और शर्ट। इतने सारे लुंगी और शर्ट का मैं क्या करेगा? दोस्तों, जिस तरह से धूप के बाद छांव, रात के बाद दिन, ठीक उसी तरह से रिश्तों में नोक झोंक के बाद मिठास। इसीलिए तो देखिए ना, जेठालाल और अय्यर की ये मस्ती भरी टक्कर प्यार भरे मोड़ पे आकर समाप्त हुई और अय्यर ने जेठालाल से माफी भी मांग ली। तो यही तो है गोकुलधाम निवासियों की खासियत, हम अलग अलग जरूर है पर दिलों से एक है। इसीलिए तो अय्यर को सभी ने गिफ्ट भी एक जैसी दी, लुंगी और शर्ट। अब भाई अय्यर इतने सारे लुंगी और शर्ट का तो क्या करेंगे, ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि पार्टी अभी बाकी है, पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। पार्टी गोकुलधाम में भी खत्म नहीं हुई है और आपके घरों में भी, हंसने हंसाने के लिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।